Vado. Hindi sì. Sanskrit mi. अनुवाद किस प्रकार करें? इसके क्या नियम हैं? सर्वप्रथम अनुवाद अर्थात अनु प्लस वाद इसकी उत्पत्ति अनु वद इंस बोलना प्लस घय प्रत्यय लगने से हुई है। जिसका अर्थ है किसी की कही हुई बात फिर से कहना कहना अर्थात एक भाषा में लिखी हुई अथवा कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहने अथवा लिखने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद सीखने से पहले कारक चिन्हों से अवगत होना चाहिए। जैसे प्रथमा कर्ता चिन्ह ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान
जुदाई, हस्ती संबंध का के की सप्तमी अधिकरण में पे पर इन्हें याद करना सबसे पहले आवश्यक है। इसके बगैर हम अनुवाद नहीं बना सकते हैं। संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता क्रिया कर्म लिंग कारक वचन एवं पुरुष का ज्ञान होना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम पहला काम कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करना है। यदि कोई शब्द कर्ता कारक में हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाना चाहिए। तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष एवं वचन में हो उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। जैसे राम लिखता है, राम करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए रामः लिख धातु में प्रथम पुरुष के एक वचन में ति प्रत्यय लगता है, तो रामः लिखति। इसके बाद मैं अगले क्लास में इसका विवेचन करूंगा।